हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टी टी प्लेइंग 11 में। तब जब बात करने वाला हूँ MGR वर्सेस ARA बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्रकार पिक करना है, किस प्रकार ड्रॉप करना है। हम बात करें ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहे तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए TT प्लेइंग 11, आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे टीम से काफ़ी अच्छे अच्छे पैसे कमा पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि हम ये देखिए, मैंने इस मैच को कवर किया था और आपको क्लीन स्वीप दिया है। दोस्तों, इस मैच के स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। तब तक दोस्तों, आप यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है। जो विजन 11 है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन काफ़ी कम है, एंट्री फीस काफ़ी कम है और आपकी एक एवरेज टीम भी यहाँ पर अल्ट्रा क्लीनशिप करके जाएगी। तो दोस्तों, TT प्लेइंग 11 से आप विजन 11 को डाउनलोड कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा सा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करें टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच होगा एरेगुआ वर्स मार्गेजीटा के बीच। तो इन टीम दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और काफ़ी दोस्तों आसानी से आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो एरेगुआ है यानी कि जो ARA है, उन्होंने अब तक 17 मैचों में विन, 25 मैचों में लॉस। और दोस्तों, ये देखिए, जो इनके घर पर मैच हुए हैं, जिनके घर पर मैच हुए वहाँ पर उन्होंने लास्ट 21 मैच से 8 में विन और 13 मैचों में लॉस का सामना किया। तो जो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन चल रहा है और एरेगुआ से मुझे इतने अच्छे खासे प्लेयर नहीं मिल पाएंगे। और दोस्तों, जो इन्होंने का जो घर से बाहर हुए हैं वहाँ पर उन्होंने 9 मैच विन और 12 मैचों में लॉस का सामना किया। तो जो इनका परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी डाउन है। तो दोस्तों, ऐसे परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे इस टीम से काफ़ी कम प्लेयर उठाकर चलने पड़ेंगे। और दोस्तों, लास्ट 10 मैचों के बारे में बात करूं तो जहां पर इन्होंने 3 मैचों में सिर्फ विन किया है और 7 मैचों में लॉस का सामना किया और लगातार 5 मैचों में लॉस का भी सामना किया है। तो जो ये टीम है काफ़ी डाउन परफॉर्मेंस वाली है। बाकी दोस्तों, एक बार लाइनअप आ जाने दीजिए, लाइनअप आने के बाद मैं काफ़ी अच्छी अच्छी टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी दोस्तों, इस मैच के अंदर आपको काफ़ी कम पैसे इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि सभी टीमों के दो दो तीन तीन मैच हो जाने दीजिए, जिसके बाद हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे स्टेट आ जाएंगे और मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छी टीम भी प्रोवाइड करवा दूंगा। मार्गेजीटा के बारे में बात करें, उन्होंने 15 मैच को प्ले किया, इस 15 मैच में विन, 27 यानी कि 27 मैचों में लॉस का सामना किया। तो ये भी दोस्तों सेम परफॉर्मेंस वाली टीम है। और अब बात करूँ दोस्तों इनके घर के अंदर के बारे में, तो लास्ट के 21 मैचों में इन्होंने 7 मैचों में विन और 14 मैचों में ड्रा 14 मैचों में लॉस का सामना किया। तो जो इनका परफॉर्मेंस है, इनका तो उनसे भी डाउन परफॉर्मेंस है, इनसे ARA से। और दोस्तों, घर के बाहर हुए वहाँ पर 8 मैच विन हासिल किए और 13 मैचों में लॉस का सामना किया। तो जो इनका परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी डाउन चल रहा है। तो ऐसे परफॉर्मेंस को देखते मुझे इस टीम से काफ़ी कम उठाकर चलने पड़ेंगे। दोनों ही टीम काफ़ी डाउन हो चुकी है और मैं दोस्तों नो प्लेयर पिक करके चलने वाला हूँ। तो 4-5 या फिर 5-4, यही दोस्तों सबसे बेस्ट रहने वाला है। अगर दोस्तों टीम में कोई चेंज या फिर अपडेट होगा तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और लास्ट 10 मैचों के बारे में बात करूँ, उन्होंने 4 मैच विन और 6 मैचों में लॉस का सामना किया। तो इनका जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो भी इनके बराबर ही है, दोस्तों जितना अच्छा खासा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। और लास्ट के 2 मैचों में इन्होंने लॉस का सामना किया। तो दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि दोनों टीमों का जो परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन चल रहा है। बाकी दोस्तों, ज़्यादा अच्छी खास चॉइस भी नहीं होगी प्लेयर्स की तरफ, क्योंकि हमारे पास उनके ज़्यादा अच्छे खासे स्टैट नहीं है। और स्टैट के आधार और रिसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं दोस्तों बेसबॉल की टीम बनाता हूँ। तो दोस्तों, बात करें ड्रीम टीम के बारे में, तो इस मैच की जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ड्रीम टीम दो, उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी टीम टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको ओपन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो आपको एंड तक वॉच कर लेनी है। जो वीडियो को एंड तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी विनिंग टीम प्लस काफ़ी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो हम स्टार्ट करेंगे ओ फील्डर सेक्शन से। दोस्तों, फ्लोर्स
ये दोस्तों फ्लोट्स रहेंगे, ओपनिंग बैट्समैन रहेगा। लास्ट के मैच में इन्होंने दोस्तों ना ही एक सिंगल कवर किया, ना ही कोई डबल और ना ही कोई ट्रिपल, ना ही होमरन लगाया। दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी डाउन था। बाकी दोस्तों इन्होंने जो क्या कहते हैं स्लैगर, यानी कि दोस्तों जो बल्ला होता है बेसबॉल का उसे स्लैगर कहते हैं, तो स्लैगर से इन्होंने जरूर हिट किया। बाकी दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है, और फ्लोट दोस्तों सिर्फ एज अ प्लेयर के लिए, तो फ्लोर जो चॉइस है वो काफ़ी अच्छी खासी है सिर्फ एज अ प्लेयर के लिए। क्योंकि दोस्तों जो इनके दो मैचों के स्टैट हमारे पास आ चुके हैं, इनका पता चल चुका है कि कब बैटिंग खेलेंगे और क्या कुछ कर सकते हैं। रिकॉन्स के बारे में बात करें तो रिकॉन्स भी एक दोस्तों ठीक ठाक चॉइस है। तो लास्ट मैच था वहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक सिंगल कंप्लीट कर दिया था, डबल ट्रिपल नहीं कर पाए थे। बाकी इनको अपनी टीम में हम लेके चल सकते हैं। तो बात करो पिंटो के बारे में, तो पिंटो कन्फर्म नहीं कि प्ले करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बाकी पिंटो आपके लिए काफ़ी अच्छा सी चॉइस है ARA से। बाकी इस मैच में आपको काफ़ी कम पैसे इन्वेस्ट करके चलना है, क्योंकि दोस्तों ये फर्स्ट मैच है ARA का, तो एक दो मैच हो जाने दीजिए जिससे हमारे पास काफ़ी अच्छे स्टेट आ जाएंगे। दोस्तों ARA से रहेंगे अमरिष्टा, ये भी दोस्तों ठीक ठाक चॉइस रहने वाली है। मार्टिज के बारे में बात करें तो मार्टिज भी काफ़ी अच्छी खासी चॉइस रहेगी दोस्तों, आप इन्हें भी अपनी टीम में ट्राई करके चला सकते हैं एज अ प्लेयर। बाकी दोस्तों जो फाइनल टीम होगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। अल्फोंसो दोस्तों, अल्फोंसो न्यू प्लेयर रहेंगे दोस्तों, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले प्लेयर भी नहीं है। बाकी आपको इन टीम में लेकर चलना ही चलना है। बाकी जो फाइनल टीम होती है दोस्तों मैं आपको हमेशा स्टैट या फिर रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर ही देता हूँ, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है दोस्तों। थोड़ा बहुत हमारे पास मटेरियल आ जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको काफ़ी अच्छे टीम प्रोवाइड करवा दूंगा। कैस्टर दोस्तों काफ़ी अच्छी चॉइस रहेगी, जो लास्ट मैच था वहाँ पर दोस्तों ने एक होमरन लगा दिया था, काफ़ी बड़ी बात होती है दोस्तों, सिर्फ एक होमरन बहुत बड़ी बात है दोस्तों। कैप्टन जो उसके लिए भी काफ़ी अच्छी होने वाली है अगर कैस्ट्रो प्ले करते हैं तो। दोस्तों मैं बात करूँ पिचर के बारे में, मैंने गार्सिया को ट्राई किया काफ़ी जैसे दोस्तों, जो पिछला सीजन था वहाँ पर गार्सिया ने काफ़ी जैसी पिचिंग की थी और दोस्तों एक तरफा प्लेयर्स को आउट कर रहे थे। और कैचर के बारे में बात करूँ तो मैंने ओर्टेगा को ट्राई किया, ओर्टेगा दोस्तों MGR से काफ़ी ठीक ठाक चॉइस रहने वाले हैं। जो जो फर्स्ट मैच था वहाँ दोस्तों ने एक ट्रिपल भी कंप्लीट कर लिया था और कैचिंग भी ठीक ठाक ही कर ली थी। बाकी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि दो दो मैच सभी टीमों के हो जाने दीजिए जिससे हमारे पास काफ़ी स्टेट और पिच रिपोर्ट आ जाएगी। दोस्तों इस मैच में तीन आउटफील्डर, चार इनफील्डर, एक पिचर कैचर को ट्राई किया। कैप्टन उसमें मैं मार्टिन की तरफ गया हूँ और वो मैं कैस्ट्रो की तरफ गया हूँ। बाकी दोस्तों मैं इनको इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, फाइनल टीम कुछ भी हो सकती है, तो इसके लिए आप ट्रेलर में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों मैंने तीन एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।